हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर चारू। आज मैं बहुत दिनों के बाद ये व्लॉग अपलोड कर रही हूँ एंड आई होप आप सबको पसंद आए। आज मैं अपनी फैमिली के साथ फैमिली डे मनाने अमेरिकन एक्सप्रेस के ऑफिस जा रही हूँ। मेरे ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ वहाँ काम करते हैं, सो वी ऑल वेंट देयर एंड हैड लॉट्स ऑफ फन। तो चलिए आइए देखते हैं। तो हम गए थे गुड़गांव के अमेरिकन एक्सप्रेस ऑफिस। वहां से वापस लौटते वक्त हमने ये देखा बिग बॉय टॉयज शोरूम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे इसका नेम ही बहुत अच्छा लगा। उसके बाद उसके नीचे कैप्शन था सुपर कार्स फॉर सुपरस्टार्स। रियली ये सुपर कार्स ही थी, बेंटली फरारी, एक से एक बढ़कर कार्स यहाँ पे थी। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं तो गुड़गांव की साइड हमारा आना जाना इतना होता नहीं है और मुझे नहीं पता था कि ये शोरूम यहाँ पर है। ये मेरे ब्रदर इन लॉ ने दिखाया तो हम यहाँ पे करीब 5-10 मिनट तो रुके ही ये सब कार्स देखने के लिए। फैमिली डे में कहाँ जा रहे हैं रिकी? हम फैमिली डे में जा रहे हैं मेरे ऑफिस और शमा के ऑफिस में। आज फैमिली डे। हाय शमा। हाय। Where are you taking us today? To our office, American Express. तो since it was a family day, I went there with my family, और मेरी family में है my father-in-law, my mother-in-law, मेरे husband Ashu, my brother-in-law, my sister-in-law and their lovely son. दिल्ली से गुड़गांव जाने में काफी टाइम लग जाता है, लाइक एक घंटे से ज्यादा टाइम आपको चाहिए इफ यू वॉन्ट टू गो टू गुड़गांव, और फिर ट्रैफिक भी होता है। बट फैमिली के साथ ये टाइम कैसे निकल गया हमें पता ही नहीं चला। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी ऑल वर गोइंग टुगेदर इन आवर फैमिली कार अर्टिगा। तो लाइक ऑलवेज मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ बैक सीट पर थे, उसके बाद माय हस्बैंड आशु एंड आद्विक वर इन द मिडिल सीट, और आगे मेरे फादर इन लॉ थे एंड माय ब्रदर इन लॉ वाज ड्राइविंग। तो हंसते हंसते, मजाक करते, बातें करते और आद्विक के साथ खेलते खेलते ऐसे ही सारा टाइम निकल गया और पता ही नहीं चला कि कब हम गुड़गांव पहुँच गए। इंडिया आके मैं थोड़ी बिजी हो गई हूँ। देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट नीड टू बी डन, प्लस आई एम स्टडिंग, तो मुझे थोड़ा सा कम टाइम मिल पाता है यूट्यूब पे टाइम स्पेंड करने का। बट आई डू वॉच माई फ्रेंड्स वीडियोस, और शायद मेरी काफ़ी फ्रेंड्स के वीडियोस मैंने मिस कर दिए होंगे, बट मुझे जब भी जितना भी टाइम मिलता है मैं ज़रूर उनके वीडियोस देखती हूँ। एंड आई होप कि जिनके मैं देखती हूँ वो तो एटलीस्ट कमेंट करके मुझे बताएं कि उनको कैसा लग रहा है, और जिनके वीडियोस मैंने मिस कर दिए हैं प्लीज़ गिव मी सम टाइम, मैं आपके सारे वीडियोस के साथ कैच अप कर लूँगी। एंड मेरे से आप कोई भी नाराज़गी मत रखिएगा, इट्स जस्ट दैट आई एम हैविंग अ लिटिल बिजी टाइम हियर, तो मैं ज़रूर आपकी वीडियोज़ देखूँगी। तो अब हम बहुत ही जल्दी पहुंचने वाले हैं, और मेरे ब्रदर इन लॉ साथ साथ मेरी मदर इन लॉ को दिखाते जा रहे थे, बिकॉज दिल्ली, गुड़गांव और एनसीआर में इतने कम टाइम में डेवलपमेंट्स होते रहते हैं कि जब आप अगर एक महीने बाद भी आएँ तो आपको हर चीज़ चेंज्ड लगती है। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि जब भी मेरे ब्रदर इन लॉ हमारे पेरेंट्स को बाहर लेके जाते हैं तो वो हर चीज़ उनको बताते हैं, समझाते हैं। एंड आई थिंक सारे बच्चों को अपने पेरेंट्स को ऐसे बाहर लेके जाना चाहिए और उनको हर चीज़ बतानी चाहिए।
जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारे पेरेंट्स हमको हर चीज़ सिखाते थे, तो हमेशा मेरे मन में आता है कि अब हमारे अगर पेरेंट्स ओल्ड हो गए हैं तो हमें भी उनको बाहर लिख के जाना चाहिए, एंड बिकॉज वी नो द वर्ल्ड आउटसाइड वर्ल्ड अ मच बेटर, तो हमें उनको बताना चाहिए. इनफैक्ट कितने ही रास्ते यहाँ पे बदल गए हैं, तो मेरे ब्रदर इन लॉ मेरे फादर इन लॉ को बताते रहते हैं कि यहाँ पे अब ये रास्ता चेंज हो गया है, वो हो गया है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है व्हेनेवर ही डज दिस. तो अब हम पहुंच चुके हैं गुड़गांव अमेरिकन एक्सप्रेस ऑफिस. इट्स अ ब्यूटिफुल एंड ह्यूज कैंपस, और मेरे ब्रदर इन लॉ हमको दिखाते रहे कि कहाँ पे क्या है, और जहाँ जहाँ पे शूट करना अलाउड था मैं वो वीडियोस बनाती रही. तो आप भी साथ में देखते रहिए कि कैसा दिखता है अमेरिकन एक्सप्रेस गुड़गांव. तो जब हमने एंटर किया काफ़ी भीड़ थी वहाँ, सबकी फैमिलीज आई हुई थी और बच्चे खूब मज़े कर रहे थे, बहुत सारे गेम्स थे वहाँ खेलने को, मैंने भी कुछ गेम्स खेले, बट वहाँ इतनी भीड़ थी कि वीडियो बनाना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था. सो हमने फिर फ़ोन साइड में रख के पूरे गेम्स ही इंजॉय करे, और ये आप देख सकते हैं बीच में बच्चों के लिए कुछ इंजॉयमेंट चल रहा है, डोरेमोन और छोटा भीम जो कार्टून कैरेक्टर्स हैं वो डांस कर रहे हैं और बच्चों के साथ फोटो सेशन कर रहे हैं. तो द किड्स वर इंजॉइंग टू द फुलेस्ट, और खाने पीने के लिए भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, दे हैड अ लॉट ऑफ वैरायटी इन फूड्स एंड ड्रिंक्स. पहले हम मेरे ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ के कलीग से मिले, उनकी फैमिली से मिले. एक्चुअली द एम वॉज टू मेक फैमिलीज मीट ईच अदर, ना फैमिली डे था तो इसीलिए सब लोग एक साथ मिले, कैफेटेरिया में बैठ कर बातें की और कुछ खाया पिया, और आद्विक को लेके फिर मैं प्ले एरिया में चली गई थी विद माई ब्रदर इन लॉ. तो आद्विक तो बहुत मज़े कर रहा था और बाकी बच्चे भी वहाँ मज़े कर रहे थे. जहाँ पे आप ये डोरेमोन देख रहे हैं उसके बैक साइड पे एक और कैफेटेरिया था जहाँ पे फ्री फूड भी था. सो देर वॉज अ फोटो बूथ आउटसाइड, और सब लोग अलग अलग जगह पे जिसको जो पसंद था वो इन्जॉय कर रहे थे. सो आई कुड नॉट शूट एवरीथिंग, आई वॉज इन दिस एरिया सो आई वॉज एबल टू शूट दिस वन, बट इट वॉज अ ग्रेट फैमिली डे एट अमेरिकन एक्सप्रेस. इन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसको ऑर्गेनाइज किया था, अ बिग थम्स अप टू अमेरिकन एक्सप्रेस फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ ग्रेट इवेंट. अच्छा, हम ऊपर के फ्लोर्स में वर्क स्टेशन भी देखने गए थे, बट वहाँ पे शूट करना अलाउड नहीं था, सो आई कुडंट शो इट टू यू. So there was everything, good food, good drinks, family time, and a lot of games and photo booths for all of us. So yes, it was a great day. No one cared about anything. Everyone was enjoying, dancing and having fun. Bahut hi acha laga. सो
द पार्टी फॉर अस इज ओवर, फैमिली डे खत्म हो चुका है, अब नेक्स्ट लॉट के लोग आएंगे, उनके लिए प्रेपरेशंस चल रही होंगी और ये है outside view American Express office ka. It looks really beautiful with all those different colored lights. So, humne to yahan pe khoob maze kiye. I hope aapko bhi hamara ye vlog acha lagega. If you did like it, don't forget to give it a big thumbs up. Share the video with your friends and family. And if you haven't subscribed to my channel, do subscribe. And jab subscribe karein, to notification bell ko press karna nahi bhuliyega. So that whenever I upload a new video, aapko turant hi notification mil jaye aur aap mera video usi time dekh sakein. Have a great day. Stay blessed. Keep smiling. Bye-bye.